चेन्नई और मुंबई का मैच शुरू होने से तुरंत पहले रोहित शर्मा ने बदल दी है पूरी मुंबई इंडियंस की टीम है। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा ने आकाश माधवाल और जेराल्ड कोचडी जैसे कई प्लेयर को बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं। तो वहीं पर चेन्नई सुपर किंग को कुचलकर उनकी औकात दिखाने के लिए रोहित शर्मा ने 2 से 3 दिग्गजों को शामिल करके बनाई यह खूंखार मुंबई इंडियंस की टीम है। तो आखिरकार CSK के खिलाफ मुंबई इंडियंस के कौन कौन से 11 धाकड़ खिलाड़ियों को मौका मिला है, आज की इस वीडियो में आपको पूरा प्लेइंग 11 बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार और हमारे चैनल क्रिकेट गैलेक्सी में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग बीच महामुकाबला कब, कहाँ और कितने बजे से खेला जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ दोनों ही टीमों की कन्फर्म प्लेइंग 11, क्योंकि दोनों ही टीमों के कप्तानों ने अपनी अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 की कर दी है ऐलान। देखा जाए तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सो प्लीज यार वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। तो ऐसे में IPL 2024 का 29वां महामुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज शाम 7:30 बजे चेन्नई और मुंबई बीच महामुकाबला वानखेड़े के स्टेडियम में खेला जाएगा। और आप यदि टेलीविजन पर लाइव स्ट्रीम देखना चाहते हो तो टेलीविजन पर आपको स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर देखने को मिलेगा, नहीं तो मोबाइल पर देखना चाहते हो तो मोबाइल पर आपको जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग बीच महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। बाकी चलिए दोस्तों, मुंबई इंडियंस की फाइनल प्लेइंग 11 बताने से पहले मैं आपको चेन्नई सुपर किंग का कन्फर्म प्लेइंग 11 बता देता हूं। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग के तरफ से ओपन करते हुए नजर आने वाले हैं नंबर 1 पर बैटिंग ऑलराउंडर राचिन रविंद्र। देखा जाए तो राचिन रविंद्र भी काफी आक्रामक लय में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। राचिन रविंद्र के साथ पारी का आगाज करते हुए नजर आने वाले हैं नंबर 2 पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। देखा जाए तो पिछले मैच में ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से काफी शानदार बल्लेबाजी देखने को मिला था। ऐसे ही CSK की तरफ से नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं अजिंक्य रहाणे, जबकि नंबर 4 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाज शिवम दुबे। जी हाँ दोस्तों, शिवम दुबे IPL में 150+ स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं। ऐसे ही नंबर 5 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं बैटिंग ऑलराउंडर डेरिल मिचेल। जी हाँ दोस्तों, CSK की तरफ से डेरिल मिचेल भी काफी आक्रामक लय में बल्लेबाजी करते हुए देखने को मिले हैं। ऐसे ही नंबर 6 पर खेलने वाले हैं बैटिंग ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। देखा जाए तो जडेजा काफी शानदार लय में गेंदबाजी करते हुए विकेट चटकाते हैं और जरूरत के समय में बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। नंबर 7 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं विकेट कीपर बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी, जबकि नंबर 8 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं बॉलिंग ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर। जी हाँ दोस्तों, शार्दुल ठाकुर भी काफी शानदार लय में गेंदबाजी करते हैं और जरूरत के समय में बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। नंबर 9 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं दीपक चार। जी हाँ दोस्तों, दीपक चार खास करके पावर प्ले में स्विंग कराते हुए विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही नंबर 10 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं मथीसा पथिराना, खास करके पथिराना काफी शानदार लय में अड़कर गेंदबाजी करते हैं। ऐसे ही नंबर 11 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं महेश तिछाणा। जी हाँ दोस्तों, महेश तिछाणा काफी कम इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करते हुए विकेट चटकाते हैं। चेन्नई सुपर किंग के तरफ से इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं समीर रिजवी। जी हाँ दोस्तों, समीर रिजवी भी काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा चेन्नई सुपर किंग की फाइनल प्लेइंग 11। बाकी चले दोस्तों, अब मैं आपको मुंबई इंडियंस की कन्फर्म प्लेइंग 11 बता देता हूँ। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस की तरफ से पारी का आगाज करते हुए नजर आने वाले हैं नंबर 1 पर रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, खास करके देखा जाए तो रोहित शर्मा भी काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि रोहित शर्मा RCB के खिलाफ 35 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेले थे और ओवरऑल देखा जाए तो रोहित शर्मा इस साल IPL में काफी आक्रामक लय में बल्लेबाजी करते हुए भी नजर आए हैं। तो अब ऐसे में उम्मीद करते हैं कि चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ भी रोहित शर्मा ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे। रोहित शर्मा के साथ ओपन करते हुए नजर आने वाले हैं नंबर 2 पर विकेट कीपर बैट्समैन ईशान किशन। जी हां दोस्तों, ईशान किशन भी RCB के खिलाफ 79 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए चौके छक्कों की बारिश कर रहे थे और उम्मीद करते हैं कि चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ भी ईशान किशन काफी आक्रामक रवैये से बल्लेबाजी करेंगे। ऐसे ही नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज तिलक वर्मा। जी हाँ दोस्तों, IPL में देखा जाए तो तिलक वर्मा भी काफी शानदार लय में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि RCB के खिलाफ तिलक वर्मा को बल्लेबाजी करने का उतना मौका नहीं मिला, फिर भी दोस्तों 16 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेले थे। तो अब ऐसे में
में देखने लायक हुआ कि चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ तिलक वर्मा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। नंबर चार पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं सूर्य कुमार यादव। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव को हल्का इंजरी है, तो अब ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव को चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ खेलना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव आरसीबी के खिलाफ चौके छक्कों की बारिश करते हुए 17 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाए थे और उम्मीद करते हैं कि चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ भी सूर्य कुमार यादव ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की बारिश करेंगे। ऐसे ही नंबर पाँच पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं कप्तान हार्दिक पांड्या। हालांकि अभी तक देखा जाए तो हार्दिक पांड्या कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन दोस्तों आरसीबी के खिलाफ ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए गेम को फिनिश करे थे और जरूरत के समय में हार्दिक पांड्या फास्ट गेंदबाजी भी कर लेते हैं। ऐसे ही नंबर छह पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाज टीम डेविड। जी हाँ दोस्तों, टीम डेविड भी काफी आक्रामक लय में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। खास करके देखा जाए तो फुल टॉस गेंद में छक्का लगाने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि आप सबने दिल्ली कैपिटल के खिलाफ टीम डेविड की बल्लेबाजी देखा ही होगा। 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, तो अब ऐसे में उम्मीद करते हैं कि चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ भी टीम डेविड उसी तरह से बल्लेबाजी करेंगे। नंबर सात पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं बैटिंग ऑलराउंडर मोहम्मद नाबी। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद नाबी भी काफी लंबे लंबे छक्का लगाने के लिए जाने जाते हैं और स्पिन गेंदबाजी करते हुए विकेट भी चटकाते हैं, तो अब ऐसे में देखने लायक हुआ कि मोहम्मद नाबी चेन्नई सुपर किंग जैसी बड़ी टीम के खिलाफ किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। ऐसे ही नंबर आठ पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं बॉलिंग ऑलराउंडर रोमारियो सेफार्ड। हालांकि रोमारियो सेफार्ड उतना शानदार लय में गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों बल्लेबाजी तो आक्रामक लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि रोमारियो सेफार्ड दिल्ली के खिलाफ 10 गेंद में 39 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेले थे और उम्मीद करते हैं कि चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ भी इसी तरह से बल्लेबाजी करेंगे। ऐसे ही नंबर नाइन पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं तेज गेंदबाज जेराल्ड कोटची। देखा जाए तो जेराल्ड कोटची भी कुछ खास गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी दोस्तों दिल्ली कैपिटल के खिलाफ काफी शानदार लय में गेंदबाजी करे थे। और बात करें आरसीबी की, तो आरसीबी के खिलाफ जेराल्ड कोटची को मात्र एक ही विकेट मिला था, फिर भी दोस्तों चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ उम्मीद है कि जेराल्ड कोटची काफी शानदार लय में गेंदबाजी करते हुए विकेट चटकाएंगे। नंबर 10 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं अर्कर किंग जसप्रीत बुमराह। जी हाँ दोस्तों, जसप्रीत बुमराह इतना टाइम पर्पल कैप है क्योंकि आरसीबी के खिलाफ जसप्रीत बुमराह 5 विकेट चटकाते हुए कम इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी भी करे थे, लेकिन दोस्तों अब ऐसे में देखने लायक हुआ कि चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ जसप्रीत बुमराह किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। नंबर 11 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं स्पिन गेंदबाज पीयूष चावला। जी हाँ दोस्तों, पिछले मैच में इंजरी प्रॉब्लम की वजह से पीयूष चावला खेलते हुए देखने को नहीं मिले थे, लेकिन दोस्तों चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ पीयूष चावला फाइनली खेलते हुए नजर आने वाले हैं। बात करें मुंबई इंडियंस की इम्पैक्ट प्लेयर की, तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं आकाश माधवाल। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि आकाश माधवाल को एक और मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में अपना कीमती राय जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये रहा सीएसके के खिलाफ मुंबई इंडियंस की फाइनल प्लेइंग 11। तो ये प्लेइंग 11 आपको कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।